खानदान का बेड़ा गर्क हो कोई मुसलमान की रेडी होती तो बिल्कुल मना नहीं करते हैं, हिंदू देखा जाए तो जिहादियों की तरफ पीछे पड़ गए। पहले के समय में लोग ये बोला करते थे कि लड़कियां सिर्फ घर में खाना बना सकती हैं या तो सिर्फ अपना घर संभाल सकती हैं। शाम को 5 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। ऐसी छोटी सोच अभी भी बहुत से लोगों के अंदर है, बट आजकल के जमाने में इस लड़की ने इस सवाल का जवाब अपनी बातों से नहीं अपने काम से दिया है। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की मोस्ट वायरल गर्ल चंद्रिका दीक्षित के पास, जिसके वड़ा पाव के दीवाने आसपास के लोग ही नहीं काफी दूर दूर से लोग इनके वड़ा पाव खाने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इनके साथ एक बहुत बड़ी सिचुएशन भी बन चुकी है। वो सिचुएशन आखिर है क्या, आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। हेलो मैम, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई। चंद्रिका गेरा दीक्षित। आपका नाम है? इतना लंबा सर, गेरा हस्बैंड का सरनेम है, दीक्षित मेरी माँ का सरनेम। कैसा लग रहा है अभी समय आपको? अच्छा भी लग रहा है सर, पावर का खेल भी देख रही हूँ सर। मुझे पिछले जहाँ मैं लगा रही थी, मुझे ना वहाँ कार्ड लगानी थी जा रही, मेरा कार्ड ही उठाई जा रही है, पैसा मुंह तोड़ पैसा मांग रहे हैं। पैसा कौन मांग रहा है? हर बंदा, पुलिस, MCD। कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? 35,000 वन टाइम, 15,000 रुपए हर महीना। किस बात के? कार्ड लगाने के। पर आपको देने पड़ेंगे यहाँ लगाने के लिए। 300 करोड़ की कोठी छापेगी क्या मैडम? अच्छा, पुलिस वाले का नाम? पुलिस वाले का मतलब ये कहना है कि 300 करोड़ की कोठी छापेगी क्या, कहाँ ले जाएगी? 40 रुपए के वड़ा पाव से मैं 300 करोड़ की कोठी छाप लूंगी। तो इससे पहले आप जहाँ लगाते थे इसी में से हटाया? मैम बहुत ज्यादा पब्लिक का प्यार मिल रहा है, हटो यहाँ। बोला गया कि SDM और SHO ने कहा यहाँ कोई मोड़ पे कार्ड नहीं लगेगी। मैंने 4 दिन अपनी कार्ड नहीं लगाई। जिस दिन मैंने यहाँ कार्ड लगाई वहाँ पे अभी आप जाके देख सकते हैं सारी कार्ड लगी हुई, सिर्फ मुझे ही हटाया। आप कोने में हो जाओ मैडम, आपको भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं। कोने में आई तो आज भी दिक्कत, कोने यहाँ की चल हटा चल हटा चल हटा। सबसे पहले आप क्या करती थी? हल्दीराम में जॉब करती थी। जॉब क्यों स्किप करती फिर आपने? सर जॉब इसलिए स्किप करी क्योंकि शादी के बाद छोटा बेटा है मेरा और 3 महीने से उसे मैं क्रच में छोड़ रही थी। क्रच में छोड़ने के बाद उसका इम्यून डाउन हो चुका था, तो डॉक्टर ने मुझे साफ बोला कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपका बच्चे की हालत दिन पे दिन डाउन होती जा रही। सिर्फ मेरे लिए स्पेशली SHO और SDM ने ऑर्डर निकाले कि सिर्फ चंद्रिका गेरा दीक्षित ही अपना वड़ा पाव नहीं बेचेगी, बाकी दुनिया में दिल्ली NCR में हर कार्ड लगेगी पर यही लड़की कार्ड नहीं लगाएगी। ऐसा क्यों? पता नहीं सर, आपसे दुश्मनी हो गई क्या उनकी? मुझे लग रहा है सर, 2-3 घंटे पहले मैं देख रहा था कि आप दोनों रो भी रहे थे उस समय। मैंने कल 10 बजे रात में थाने में कोई लड़की नहीं जाती, मैंने स्पेशली हाथ जोड़ के बोला कि सर मुझे अपनी कार्ड लगाने दो, मैं थक गई हूँ, मेरे कस्टमर भटक रहे हैं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मैं कोई ना दारू बेच रही ना या मैं मांस मच्छी बेच रही ना या ड्रग्स का काम कर रही, मैं साफ सुथरा खाना खिला रही हूँ, कस्टमरों को पसंद आ रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ। भैया आगे कहते हैं कल से नहीं लगेगी यहाँ पे। पैसे की बात होने के बाद भी ये चीजें हो रही है कि नहीं मम्मी बोलने दो। क्या दिक्कत है? बोलने दो। क्या दिक्कत? बोलने दो, नहीं लगाने देगा ना, नहीं लगाने देगा। कौन है, पैसों का कौन मना कर रहा है? जहाँ खड़ी थी अभी भी कोई बोल के गया कि पैसों का मत, पैसों की मत बोलना? नहीं बोल के गया कि रिपोर्टर को पैसे का मत बोलना वरना तुझे नहीं लगाने दूंगा। अच्छा मतलब अभी धमकी दे के गया? हाँ अभी बोल के गया, अभी बोल के गया। हाँ बोल के गया, पानी की बोतल वहाँ से गुब्बारे फेंके, पीछे कढ़ाई का काम हो रहा, तेल का छींटा गया, हाथ में उड़ता आंख में उड़ता, ये काम हमारी ये म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो कर रही है, पुलिस करवा रहे हैं, खड़े हुए थे पुलिस तमाशा देख रहे, ऐसे गुब्बारे मुंह पे फेंक के जा रहे लोग, मतलब पुलिस वाले भी यहाँ पे उस समय खड़े थे सर, पीछे खड़े हुए थे, सब कह रहे थे 5 मिनट में अपना हटा वरना हम रेडी उठा के ले जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने कहा नहीं उठा रही, मेरे कस्टमरों ने हेल्प करी कि नहीं उठाएगी, तू उठा के दिखा। उनने गुब्बारे फेंकवाए, हर चीज करवाई, बदतमीजी करवाया, पर कस्टमरों ने बहुत सपोर्ट करा। मैंने रानीबाग थाने से लेके इनसे लेके जो अपना म्युनिसिपैलिटी के वो होते हैं उनसे लेके सबसे बात करी है कि सर लगाने तो दो, पैसे तो मैं दूंगी आपको, पहले भी 2 साल तक माँ भी देती रही यहाँ भी देती रही, मैं देने से मना नहीं कर रही सर, इनको लेना ले, पर ये आए दिन कभी यहाँ से रेडी उठा रहे हैं कभी वहाँ से उठा रहे हैं, आके चिल्ला चोट कर रहे हैं, पानी के गुब्बारे फेंके सर, मुझे लगाने ही नहीं दिया जा रहा। एक रीजन नहीं पूछा क्या, मतलब क्यों मुझे लगाने नहीं दे रहे? मतलब पैसा छाप रही है तू रोड पे खड़े होके, 40 रुपए से मैं पैसा छाप रही हूँ, रोज 1-1 लाख रुपए की इनकम हो जाती होगी मेरी। कुछ लोगों से मैंने उस समय पूछा था कि 20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए का सेल कर रहे हो। हाँ इतनी मेहनत, आलू धनिया मिर्ची 5-5, 10-10 किलो प्योर माल खिला रही हूँ, किसी एक कस्टमर से उठा के पूछना कि टेस्ट नहीं है भाई, एक जो खा के जाता है 10 पैक करवा के जाता है। लोग तो 2 दिन फेमस नहीं होते, तीसरे दिन नौकर रख देते हैं, आज मैं कंटिन्यू खड़ी हुई हूँ सर। किराए के मकानों में रह रहे, कोई कोठी नहीं है सर, रोजी रोटी खत्म, हमको फर्क नहीं पड़ता तेरी रोजी रोटी खत्म है, ये डायलॉग है इन लोगों के। अच्छा हाँ हमको फर्क नहीं पड़ता। सर मैं अभी तक बहुत चुप थी पर अब मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया ना कि अब मैं दिल्ली सरकार से अपील कर रही हूँ कि अगर मेरी रेडी नहीं लगी तो दिल्ली NCR में किसी की भी रेडी नहीं लगे जाए। इसके लिए भले ही मुझे थाने में बैठना पड़ा ना सर, मैं अपने बच्चे को लेके बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरी रोजी रोटी इन लोगों ने छीनी है, मेरे को भूखे पैसे बैठना पड़ा ना मैं बैठूंगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच गया ये काम करने के लिए, इन लोगों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है।
नींद नहीं आती सर, पागलों की तरह रोती रहती हूँ रात में कि अगले दिन कैसे माल लगाऊंगी। अभी भी नहीं पता कि अगले दिन यहाँ कैसे खड़ी होंगी। अगर ऐसा हुआ फिर क्या करूँ सर? वही तो कह रही हूँ कि इतना दुखी कर दिया यार इन लोगों ने। पुलिस को क्या कहा जाता है? सेवा के लिए खड़े? कौन सी सेवा सर? इनके सामने लोग मेरे मुँह पे गुब्बारे फेंक के जा रहे हैं। मेरा कस्टमर तो कोई नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी। इन्हीं का कोई बंदा होगा तभी चुपचाप खड़े पीछे। ये चाहते हैं सर मैं इतनी परेशान हो जाऊं कि इनको 1-1 लाख रुपए सामने से ऑफर करूं कि ले भाई पकड़ और खत्म कर। किसी के सगे नहीं, अपनी सारे एमसीए किसी के सगे नहीं है। कैसा लगा टेस्ट इनका बड़े पाव का? फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत ही अच्छा। वीडियो से पहले मेरे फ्रेंड आ चुके थे यहाँ पर। ओके, उनके वीडियो देखी मैंने, दूर से आया हूँ। टेस्ट कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया जी।